बड़वा स्थित शासकीय नवीन सीनियर आदिम जाति कन्या छात्रावास में रविवार शाम करीब 6 बजे के बाद 12वीं क्लास की छात्रा कुमारी पूजा विक्रम सिटोले को कोचिंग जाने का पूछने पर मना करते हुए छात्रावास अधीक्षिका संगीता कुंडले ने जमकर बाल पकड़कर पिटाई करते हुए दीवार से सर ठोक दिया और घसीटते हुए अपने रूम में ले जाकर फिर जमकर पिटा। छात्रा ने इस घटना की शिकायत रोते बिलखिलाते हुए अपने परिजनों को ग्राम बरझर में की। करीब 1 घंटे बाद परिजन छात्रावास पहुंचे। छात्रा पूजा का रो रो कर बुरा हाल देखकर अन्य छात्राएं भी भयभीत नजर आई। पश्चात परिजनों के साथ छात्रा पूजा सहित करीब 30 से अधिक छात्राएं पुलिस थाने पहुंची, जहां उपस्थित थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर को पूजा सहित सभी छात्राओं ने घटना के संबंध में बताया। घटना की जानकारी मिलते ही SDOP अर्चना रावत भी पुलिस थाने पहुंची और उपस्थित छात्राओं से घटना की जानकारी ली। सिविल अस्पताल में छात्रा का मेडिकल करवाया गया। इस मामले में SDOP अर्चना रावत ने बताया कि छात्रा के साथ मारपीट के मामले में मेडिकल के हिसाब से प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भी अधीक्षिका द्वारा अन्य छात्राओं के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी परिजनों द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जानकारी के अनुसार छात्रावास के जिला अधिकारी द्वारा छात्रावास की व्यवस्था की जवाबदारी अन्य छात्रावास की वार्डन बसंती बर्डे को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अरे शांति शांति, पत्रकार आए, पत्रकार ने बुला लिया, शांति रखो। मैडम शांति रखो, अंकल जी जो कुछ नहीं है एक एक बता रहे हैं ना। मोबाइल उधर जी। अभी कुछ लड़कियां आई थी छात्रावास से, तो उनका ये कहना है कि उनकी जो वार्डन है उन्होंने उनके साथ में मारपीट की है, तो उनसे अभी उनकी MLC करवाई है, उसमें कुछ है तो अब उन पे कार्रवाई की जा रही है। उस छात्र का कहना है कि उसको ट्यूशन जाने के लिए मना किया था, तो उस बात से उसकी वार्डन से झगड़ा हुआ था। पहले से ट्यूशन जाते थे जो छात्र है उनके द्वारा बताया गया है कि पहले भी इस तरह की मारपीट हुई है, लेकिन वो डर के मारे अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं था। अब जो मेडिकल के आधार पे जो चोटों की है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रिया है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। बस मैंने कोचिंग जाने के लिए मना कर दिया था, तो सारी गर्ल्स ने डिसाइड किया था कि सब जाके मैम को बोले कि कोचिंग स्टार्ट करो, तो हम सब प्यार से मैम को सिर्फ बोलने के लिए गए थे, तो मैम ने बोला कि मैं नहीं जाने दूंगी। तो हमने कहा कि अगर कुछ भी होता है तो हमारे पेरेंट्स की अनुमति से हम जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, हमारे पेरेंट्स की सिग्नेचर लो और हमको कोचिंग जाने दो। आपने कोचिंग का बोला तभी हमने एडमिशन लिया, नहीं तो हम नहीं लेते। तो मैम ने मेरे को जोर से बाल पकड़ा, दीवार में जोर से ठोका और रगड़ते रगड़ते उसके रूम में लेने लगी, बोली तेरे पापा को कॉल करूंगी, और यहाँ पर आके भी उसने बहुत मार मारा मेरे को। इससे पहले मेरा नाम रोजाना है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, और मैं हम सिर्फ बैग रखने गए थे स्कूल में, तो इतना मारा दोनों को, इतना मारा कि हमको कभी घर वालों ने भी नहीं संभाला। 2 दिन पहले हुआ ऐसा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।